Delta spaces maximums. So 12, Chaitanya will be counted as 24, and Palin Royal move on to 57 now with a loss of one wicket. And I am here to try and talk about how to play the short ball. Not my favorite delivery. I hated fast bowlers bowling short at me. Scared the living daylights out of me. But if you're a batsman, that's the reality. You have to face the short ball. And here we have a few of the short deliveries that have picked up wickets today. Some rushing the batsman, some getting into a bad position. And we are going to... So you think that big short is going to play, I want to make more runs. तो दबाव जो है मेन बोलर्स के ऊपर आता है, लेकिन केदार जाधव की खासियत है जो रिलीज पॉइंट्स तो हम बात करें इतना ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि जो लेंथ में वो डालते हैं ना और जिस हाइट से वो बॉल रिलीज करते हैं एलिवेशन नहीं मिलता है बल्लेबाज को, तो आप क्रॉस बैटेड शॉट, आप स्क्वेयर ऑफ द विकेट शॉट नहीं खेल सकते. आपको एलिवेशन नहीं मिला, इसी वजह से स्टॉइनिस आउट हुए और सीधा मिड विकेट के हाथ में बॉल जाकर पकड़ लिए थे विराट कोहली. तो मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा आप उनको आगे खेलेंगे, ऑन द राइज खेलने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप सफल होंगे. तो ये जरूर shot up pull or choka just away. Oh, it's a direct hit. The umpire there, Rohan Gamre, was in an excellent position. He's still thinking, we'll just wait.
सुरेश जी, श्वास पुरण्याचा किस्सा या गाण्याबद्दलचा आहे. आशाबाई विचारते, बाबूजी श्वास कुठे घ्यायचा? अहो म्हणतो, मी 75 वर्षाचा माणूस आहे, मी गातोय. और एक जेल में जितने भी हिंदुस्तान के कैदी वहां पे थे उनको इकट्ठा बैठा के रखा था, मगर उनसे भी जो थोड़ी बहुत हमको इशारों से बात पता चल पाई, वो बात तो नहीं करने दे रहे थे हमको, मगर इशारों से जो बात कर पाए उससे ये पता चला कि इन्होंने उनको पीछे कहीं छुपा रखा है. देखिए, एक जेल में बहुत कमरे होते हैं और बड़ी दीवारें होती हैं, एक जगह से उठा के दूसरे कमरे में रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता. ऐसा हम लोग को महसूस हुआ कि ये हमारे जो हिंदुस्तान के कैदी हैं, जो कि डिफेंस के नहीं थे, नेसेसरली सिविलियन भी हो सकते हैं, उन्होंने ऐसी जानकारी दी हमको लगा. उसके बाद हम 2007 में गए जब मुशर्रफ जी बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलवाने का प्लान तैयार किया गया है. जहर मिलाने के लिए पाक आईएसआई कश्मीर में मौजूद अपने एजेंट का इस्तेमाल कर सकता है. खुफिया रिपोर्ट आने के बाद कश्मीर में बरसात